बर्बाद, खत्म, ब्लास्ट। ये जो घड़ी दिख रही है, घड़ी ठीक है ना, ये उल्टी चल रही है अभी, ठीक है, देख सकते हो जस्ट उल्टी चल रही है ये, ठीक है ना। 14 सितंबर, ठीक है, पहले जेई का स्कैम, फिर नीट का स्कैम। पता है जो नीट के अंदर जो बच्चे बैठते हैं, जिनके जो कट ऑफ जाती है, परसेंटाइल आती है 99, ठीक है, 720 का पेपर होता है, पता है कुछ? 720 का पेपर होता है बच्चे, कोटा के अंदर, एलएन के अंदर, पता है कितनी? जस्ट 2 ईयर मिनिमम लगातार बैठ के रूम के अंदर, किसी से बात नहीं करते, कोई फ्रेंड्स नहीं होता, तब जाके आईआईटी है, नीट है, क्लियर होता है, तब जाके वो डॉक्टर बन पाते हैं, तब जाके इंजीनियर बन पाते हैं। लेकिन जस्ट ये सिस्टम जो है पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो गया, ब्लास्ट हो गया है। जब जेई का स्कैम हुआ तब तक तो ठीक था, लेकिन जस्ट अगर बात करें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स को इंजीनियर तक ठीक था, क्योंकि वो जस्ट कुछ कर भी सकते थे। अगर मशीन अगर गड़बड़ हो भी गई तो हो सकता है फिर से दोबारा सुधर जाए, लेकिन अगर वो इंसानों को भी मारने लगेंगे तो क्या फ़ायदा फिर? क्या क्या मतलब निकला उसका? जो कैंसर का इलाज कराने जा रहे हैं उन जस्ट उसको पता भी नहीं है कि कौन इलाज कर रहा है कैंसर का, जिसके जेई के जो नीट के अंदर मॉलिफोर 20 नंबर आ रहे थे, उसके 710 नंबर आएंगे और टॉप एम्स के अंदर एडमिशन ले लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, तो क्या ऐसे डॉक्टर से क्या फ़ायदा इलाज कराने का? कोई मतलब है ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का? जो बच्चे बेचारे जिनको ये तक नहीं पता कि वॉट इज गर्लफ्रेंड, इफ बोथ गर्ल्स आर फ्रेंड दिस इज गर्ल गर्लफ्रेंड, वो आईआईटी की नीट की तैयारी कर रहे हैं, कभी रूम से बाहर तक निकलते नहीं निकलते, कभी बाहर खेलने तक नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ ये जेईई नीट। जो बच्चे बिहार के जो बच्चे हैं लोन ले लेके जेई नीट ड्रॉप कर रहे हैं, काउंसलिंग नहीं चल रही है, जोसा में कोई सीट नहीं मिल रही है, नीट में सीट नहीं मिल रही है, फिर से एक एक साल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट क्या मिल रहा है? इसके पैसे दो सीट लो, तो यार क्या फायदा ऐसे एजुकेशन सिस्टम का? क्या क्या होगा इसका नीट का? जस्ट कैंसर का क्या होगा फिर? जिन बच्चों को कैंसर है, जिन लोगों को कैंसर होता है, फिर उसका क्या होगा? कौन इलाज करेगा उनका? डॉक्टर्स तो ऐसे पैदा होंगे, इंजीनियर्स स्कैम के थ्रू पैदा हो रहे हैं, पैसे दे दे के आईआईटी में जा रहे हैं, उन बच्चों की कोई वैल्यू ही नहीं है जो बेचारे कितनी मेहनत करके नंबर ला रहे हैं आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर तक नहीं जा रहे, कभी मार्केट तक नहीं देखा, कभी किसी से बात तक नहीं की, कभी किसी से बोलते तक नहीं है, जिनको पागल तक कहा जाता है, और उनके साथ क्या हो रहा है अभी? फ्रॉड, स्कैम। तो बेचारे बच्चे कितनी मेहनत के साथ पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, नंबर लेके आते हैं, कितने टेस्ट देते हैं, तब जाके कुछ नंबर्स आते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पर रिजल्ट क्या मिलता है? पेपर लीक्ड। वो भी क्या एक ही जगह हुआ है, एक ही जगह हुआ भाई, फिर से इनका कैंसिल कर देंगे और सब जगह ठीक है, ये होता है क्या? अगर एक जगह हुआ है तो हजारों जगह हुआ होगा इसका क्या? अखबार अगर एक जगह छाप रहा है तो और भी जगह हुआ होगा ना? हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, ब्लास्ट हो चुका है, ठीक है, और ऐसे लोग स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों को मिल सकता था, जिनके अच्छे परसेंटाइल थी, उनकी जस्ट सीट खराब हो रही है, क्योंकि जो बच्चे लायक ही नहीं थे डॉक्टर बनने के, उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाया जा रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का? तो ये एनटीए भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, 2 दिन हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है। जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी है जेईई ने, ठीक है, और अभी ये स्कैम हो चुका है नीट का, तो इसका अब क्या कर सकते हैं? उन बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उनको बिल्कुल जस्टिस मिलना चाहिए, जो मेहनत कर रहे हैं बेचारे, जिन्होंने मेहनत की है, तो उनको उसका मिलना चाहिए, और जो भी सेंटर वाले ये पैसे लेकर कर रहे हैं ऐसा सब कुछ, उनको सुसाइड करके मर जाना चाहिए। माई एडवाइस एज पर IITN, ओके, तो तुम सभी लोग सुसाइड करके मर जाओ। उन सभी को ये वीडियो सेंड जरूर कर देना कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है अब, ठीक है, नीट का पेपर तो दोबारा होगा ही होगा, किसी भी हाल में होगा, ओके बच्चों, क्योंकि ऐसे डॉक्टर किसी को नहीं चाहिए, ओके, थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, ठीक है, और पूरा पूरा देश बर्बाद हो चुका है, ठीक है, पता नहीं कितने बच्चे इसकी वजह से सुसाइड करके मरेंगे, क्योंकि जो बच्चे 2 साल से ड्रॉप कर रहे थे, 3 साल से ड्रॉप कर रहे थे, ठीक है, ऐसा भी इसमें है कि कितने भी साल तक दे सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है, दे सकते हैं नीट की एग्ज़ाम, लेकिन 10 बच्चे सभी के लिए एफर्ट्स, बार बार फेल होना भी
ठीक है नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से किसी की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। देश में कितने सुसाइड करते हैं जेई रिजल्ट आने के बाद, नीट रिजल्ट आने के बाद। इट्स फॉर जस्टिस, जिसने भी ये सब जो कर रहे हैं उनको फांसी देनी चाहिए, एक बार नहीं 10-10 बार फांसी मिलनी चाहिए उसको।